अजय तो आपकी नजर कुछ खास चीजों पर थी जी हाँ देखिए बहुत ही अनफॉर्चुनेट इवेंट जो हुआ है हमास का अटैक इसल के ऊपर ऑलमोस्ट ग्यारह सौ लोगों की मौत हो चुकी है ब्रेंट अट्ठासी के पार हो चुका है तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट था इसको हम एनालाइज करेंगे लेकिन इसके अलावा भी देखिए कि फ्राइडे और सैटरडे को फ्राइडे को इनफैक्ट यू, यू, यूरोप और यूएस ऊपर बंद हुए लेकिन आज सुबह डाउ फ्यूचर्स नीचे दबाव के साथ क्योंकि आज रिएक्शन आ रहा है वीकेंड में रिएक्शन आया नहीं क्रूड भी बंद था

इसका इंपैक्ट आपको आज सुबह क्रूड में दिख रहा है राइट right. लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो 200 पॉइंट 150 पॉइंट की आज गैप डाउन आएगी उसमें आपको पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है बहुत hmm. ज्यादा बहुत ज्यादा तनाव लेने की जरूरत नहीं है सिर्फ क्रूड की बात अगर मैं पहले कर लू hmm. तो ये बता दू की देखना ये है ये दोनों ही कंट्री इसराइल और पैलेस्टाइन बहुत बड़े क्रूड प्रोड्यूसर्स नहीं है पहली बात तो करेक्ट लेकिन जो होता है न, जियो पोलिटिक्स के रिस्क रिस्कियम पहले क्रूड लगता है इसीलिए आज आपको 5 की रैली दिख रही है देखना कि कि अब जो ईरान ईरान का रोल इसके अंदर है कुछ आई ने साथ दिया और तैयारी करने दी अगर ईरान के ऊपर सेंशन लगते हैं तो क्रूड में फर्दर बाइंग हो सकती है और बढ़ सकता है टेम्प्ररि लेकिन उसके सामने मैं अपने व्यूर्स को बताना चाहूंगा कि भारत ऑलरेडी डिस्काउंटेड क्रूड रशिया से खरीद रहा है तो हमारी डिपेंडेंस नॉन रशिया क्रूड पे कम है जैसा पहले थी उतनी नहीं है दूसरा ये बात कि टर्म में आएगा। बहुत बड़ा क्रूड आने की उम्मीद कम है, है। hmm. दूसरी बात, ये कि अब हम बात कर लेते हैं मार्केट और इकॉनॉमी पर और भारत की इकोनॉमी इस समय बहुत ही मजबूत है बिल्कुल तो बहुत कोई ज्यादा शॉक आने का प्रॉब्लम नहीं है और हमारे जो ट्रेड टाइज है दोनों कंट्रीज से तो इतने नहीं है कि आपको इंपैक्ट आएगा दूसरा बात ये है कि फ्लोज अभी आप डीमेट अकाउंट के डेटा पढ़ रही थी hmm. रिकॉर्ड लेवल पे डीमेट अकाउंट हो रहे हैं एस आई पी ऑलरेडी रिकॉर्ड और ज्यादा 200 पॉइंट थोड़ा और घट जाता है तो इस फॉल को लोग यू, यू, यूटिलाईज करना चाहिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को स्टैगर्ड वे में okay. क्योंकि ये शॉर्ट टर्म होगा कोई बहुत भीषण परेशान होने वाली बात नहीं है क्योंकि डोमेस्टिक फ्लोज अच्छे हैं डोमेस्टिक इकोनॉमी अच्छी है तो ये मुझे लगता है प्राइसिंग हो जाएगी इनफैक्ट ट्रेडर्स के लिए ये थोड़ा सा चिंता का विषय हो सकता है अगर आप लॉन्ग पोजीशन कैरी करके गए आपको देखना चाहिए इमिजिएट आधे घंटे के अंदर कूदना नहीं चाहिए बाजार में सतर्क रहे काम करना चाहिए बट इन्वेस्टर को तो कोई परेशान रहने की जरूरत नहीं इनफैक्ट ये गिरावट हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को रीपोजिशन क्वालिटी स्टॉक्स में करने के लिए आ, कारगर हो सकती है उनके इस्तेमाल आ सकती है ठीक right, है तो बिल्कुल ये clear करना दो सौ तेईस के आस पास चलिए दो सौ पचास पकड़ते हैं निफ्टी ऑलरेडी जा चुका है तो क्या ये मामला उसको वापस वहां तक लेके जाएगा मुझे अनलाइकली लगता है अगर आज से गैप डाउन नहीं होती तो हम ऑलरेडी उन्नीस सात सौ में वापस आ गए तो हमने अपने हिस्से की नेगेटिविटी एक हफ्ते पहले ऑलरेडी प्राइस इन कर दी है okay. बैंक निफ्टी भी वापस ऊपर आ गया इनफैक्ट mm -hmm. ये जो क्यूबन अपडेट्स की आप जिक्र भी कर रही थी मजबूती दे रहा है वो हुँ. वो बाजार में क्यूबन अपडेट्स स्ट्रॉग आ रहे हैं अभी तक वो मजबूती वाँ वाँ दे रहे हैं ट्रेड है, है तो बहुत ज्यादा मुझे ट्रेड सेटअप नेगेटिविटी की तरफ नहीं नजर आता है मुझे लगता है कि पहले आधे घंटे में गिरावट में लोग खरीदने आ जाएंगे आई टी स्टॉक्स पर भी नजर रखी टीसीएस के अलावा भी उम्मीद ये मजबूत आएंगे